नमस्कार, मैं प्रीति पूजा अपने चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे आलू पूरी। ये पूरियाँ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं। इसे आप किसी भी सब्जी, मीठी चटनी, जैम, चीज स्लाइस या श्रीखंड के साथ सर्व कर सकते हो। बहुत ही जल्दी ये आसानी से बन भी जाती हैं। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू ले लिए हैं। तो सबसे पहले इन्हें छील लेते हैं और अब छीलने के बाद इन्हें मैशर की हेल्प से मैंने मैश कर लिया है। इसे अच्छी तरह से बारीक कर लेना है। आप चाहो तो इसे ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट भी कर सकते हो। अब इसमें हम कुछ पाउडर मसाले ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक। नमक हम आटे में भी यूज करेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा नमक ना ऐड करें। और बारीक कटी हरी धनिया की पत्तियाँ। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो अभी इसे साइड में रख देते हैं और आटे की तैयारी कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल देते हैं, 2 टीस्पून जैसा ऑयल, 1/2 टीस्पून अजवाइन को हाथों से क्रश करके डाल देंगे। इससे इन पूरियों में अजवाइन का एक अच्छा सा फ्लेवर तो आएगा ही, ये अच्छी तरह से हजम भी हो जाएंगी। 1/4 टीस्पून कलौंजी या काला जीरा, 1 टीस्पून कसूरी मेथी को भी मैंने हाथों से क्रश करके डाल दिया है। इससे भी पूड़ियों का टेस्ट बढ़ जाता है। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम अपने मसाले वाले आलू डाल देंगे। आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर इसके लिए हमें गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। और जिस तरह से हम पूरी बनाने के लिए सख्त डो तैयार करते हैं, उसी तरह से डो तैयार कर लेंगे। और अब ये हमारा डो तैयार हो चुका है तो इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल लगा देते हैं। अब ढककर इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि आटा अच्छी तरह से सेट हो जाए। और अब 20 मिनट के बाद एक बार फिर से इसे गूंथ लेते हैं। अब इसकी हम छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ लोइयां तैयार कर ली हैं। तो सबसे पहले हम पूरियों को तलने के लिए तेल गरम होने रख देते हैं। पूरियों को तलने के लिए तेल अच्छा गरम होना चाहिए। अब हम पूरियों को रोल कर लेंगे। तो मैंने लोई में हल्का सा ऑयल लगा लिया है, इसे रोल कर लेते हैं। आप इन्हें सूखा आटा लगाकर भी रोल कर सकते हो, पर उससे पूरियां तलते वक्त तेल गंदा हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल किया है। इन्हें बहुत ज्यादा पतला नहीं करेंगे और ना ही मोटा रखना है। इनकी थिकनेस मीडियम होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ पूरियां रोल कर ली हैं, इन्हें तल लेते हैं, ऑयल चेक कर लेंगे। ये बहुत अच्छा गर्म हो चुका है तो अब इसमें हम पूरी डाल देते हैं। साइड साइड से इसे प्रेस करते रहेंगे। ऐसा करने से पूरियां अच्छी तरह से फूलती हैं। और अब ये तैयार हो चुकी है। साइड में ले जाकर एक्स्ट्रा ऑयल निकालते हुए प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी की पूरियों को भी तल लेंगे। तो अब ये हमारी सारी पूरियां मैंने तल कर तैयार कर ली हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट इन पूरियों को बनाकर आप भी एक बार जरूर ट्राई करें। इन्हें आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हो। ट्रैवलिंग के लिए भी ये एक बेस्ट ऑप्शन है। मैंने आज इन्हें ढाबे वाली दम अरबी, स्लाइस में कटे हुए प्याज और हरी मिर्च के साथ सर्व किया है। ढाबे वाली दम अरबी की रेसिपी आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी। तो आज की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक यानी कि थम्स अप के बटन पर क्लिक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी डालूं
उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इस रेसिपी को लास्ट तक देखने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ मेरे चैनल कुकिंग विद प्रीति पूजा पर।